फॉर यू कि एक योगी थे, है ना, बाबा थे, तो काफी सिद्ध बाबा थे, काफी रियलाइज्ड सोल थे, एंड ही हैड बीन तपस्या इतने सालों से कर रहे थे, एंड एक गांव में वो जाके बस गए थे, और वहां के गांव वालों को वो जो भी उन्होंने सीखा है, जो रियलाइजेशन, हाउ टू लिव लाइफ, एवरीथिंग, तो वो प्रीच करते थे, सत्संग, सत्संग करते थे, राइट. तो ऐसे ही एक दिन उनकी सभा भरी है, वो बैठे हैं, सत्संग चालू है, गांव वाले बैठे हैं, सुन रहे हैं, सब एकदम के जय जयकार हो रही है बाबा की, एंड सारे सुन रहे हैं. अचानक से है ना, वही गांव, गांव के बाजू वाला एक गांव है, वहां से एक आदमी आया दौड़ के और आके सीधा बोलने लगा, तुम झूठे हो, तुम ऐसे हो, तुझे तो आता नहीं है, कुछ भी बोलता है, इतने सारे लोगों का पाप लगेगा तुझे, ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब बोलने लगा. अभी जो गांव वाले सुन रहे हैं ना, दे आर गेटिंग एजिटेटेड कि मेरे गुरु को ऐसा बोल दिया, तू होता कौन है, दे आर गेटिंग सो फ्यूरियस. पर जो बाबा थे उन्होंने बोला कि शांत, ऐसे से हाथ दिखाया. तो वो जो बंदा था वो बोल रहा था आधे घंटे तक उसने बुरी बातें करी, आधे घंटे तक करी, और फिर वो अपने आप ही चला गया. जैसे ही वो चला गया, बाबा ने फिर सत्संग शुरू कर दिया. ये पहले दिन हुआ. अभी डे टू, दूसरे दिन ऐसा हुआ कि वो फिर दौड़ के आया, और आज तो गालियां दे रहा है, लिटरली गालियां, बड़ी बड़ी गालियां दे रहा है कि तू ऐसा, तू वैसा, ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इतना इंटेंस होके वो गालियां ही गालियां दे रहा है कि ये सब पागल है, तू पागल है. और ये गालियां सुन के गांव वाले आज तो अपनी जगह से उठ गए, आज तो रह ही नहीं पाए, उठ गए. और बाबा ने फिर हाथ दिखाया, गांव वाले फिर बैठ गए, और वो बोला आधे घंटे तक उसने गालियां दिया, और फिर आधे घंटे बाद फिर चला गया. तीसरे दिन वो बंदा दूर से भाग के आता है, आज गालियां भी दे रहा है, गंदी बातें भी बोल रहे और थूक के जा रहा है. आज तो गांव वाले उठ ही गए थे सारे, हाथ में जो भी मिले वो लेके, कि इसको छोड़ेंगे नहीं आज. पर फिर बाबा ने उनको हाथ दिखा दिए, उसने जो किया वो किया, वो करके चला गया. बाबा फिर सत्संग लेने लगे. तो चौथे दिन हुआ ऐसा कि वो आया और सीधा बाबा के पैर में गिर गया. बाबा जी मुझे माफ कर दो, बाबा जी मुझे पता चल गया है, बाबा जी आपने मेरी जिंदगी बदल दी, बाबा जी जय, बाबा जी की जय, ये वो, ही इज गॉन क्रेजी, कुछ हुआ है उनके साथ, एंड ही चेंज. ओके, विलेजर्स देख रहे कि क्या हो रहा है, और उसने जय जयकार किया, ये किया, वो किया, आधे घंटे तक किया, और फिर चला गया. तो विलेजर्स है ना, अभी रह नहीं पाए, उन्होंने ऐसे कि बाबा आपने क्या चमत्कार, एक तो ये चार दिन से क्या हो रहा है आप हमको समझाओ, ये हो क्या रहा है, कौन क्या कर रहा है, और आपने क्या किया उसके ऊपर जादू के ऐसा हो गया. तो बाबा ने सिंपल वर्ड्स में उनको बताया कि देखो, पहले दिन जब वो आया वो बुरी बातें कर रहा था, वो उसके अंदर की भड़ास थी. दूसरे दिन आया, उसने गालियां दी, वो उसके अंदर की भड़ास. तीसरे दिन आया, वो थूक के गया, इंसल्ट, वो उसके अंदर जो इंसल्ट हुई है, जो गालियां उसने सुनी है, उसकी भड़ास थी. चौथे दिन आया, उसने पैर छुए, वो भी उसी का था, मेरा क्या है. अच्छा बुरा भला वो जो भी कर रहा है वो उसका है, व्हाट हैव आई गॉट टू डू विद एनीथिंग. और उस दिन सब विलेजर्स को सबसे बड़ा सबक मिला कि सामने वाला जो भी बोल रहा है, जो भी कर रहा है, वो उसका है, हमारा नहीं है. It has got nothing to do with us. पर हम इमीडिएटली उसको पर्सनली ले लेते हैं, हमारे माँ बाप को कैसे बोल दिया, अभी तो छोड़ेंगे नहीं.